नमस्कार। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा पर बात करते हुए सावरकर के बारे में कुछ बातें कहीं, जिसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लोग खासकर इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ सावरकर समर्थकों ने राहुल गांधी को खतरनाक धमकी भी दी है और महाराष्ट्र में कुछ सावरकर समर्थकों ने धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया है। लेकिन इस धरना प्रदर्शन की खास बात यह है कि राहुल गांधी की बात का विरोध करने और सावरकर का समर्थन करने वाले लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि चप्पल किसको मारनी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक महिला जो सावरकर का समर्थक बनकर आई थी, उसने सावरकर की तस्वीर पर ही चप्पल तान दी। इस वीडियो में हम आपको सावरकर के समर्थक की धमकी और सावरकर के ऊपर तानी गई चप्पल दोनों दिखाएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा था और उस बात में कितनी सच्चाई है, जिसे लेकर कुछ हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के लोग राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। तो आइए क्रम से चलते हैं। पहले सुनेंगे कि राहुल गांधी ने कहा क्या था, इसके बाद धमकी और फिर सावरकर के ऊपर तानी गई चप्पल देखेंगे। फिर बात करेंगे कि राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को जवाब किस तरह से दिया है। राहुल गांधी तो पूरा चिट्ठी निकाल कर लेके चले आए। इसके बाद बात करेंगे कि सावरकर असल में वीर कहलाने के लायक हैं या नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हम बहुत बड़े संस्थान नहीं हैं, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए, ताकि देश को गोदी मीडिया के खतरनाक जहर से बचाया जा सके। वीडियो ज़रा लंबी होगी लेकिन पूरा देखिएगा, ताकि मन में आपके विचार क्लियर हो। कन्फ्यूजन रखना अच्छी बात नहीं है। बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और एक इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। यह आपके चिन्ह है, यह आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए, बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी, 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए, आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, इनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है एक किताब, लिखी दूसरे नाम से लिखी, कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे, और 2-3 साल 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा, आ जाओ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा, हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। यह है आपके भगवान में, आपके नेता और उनके नेता
में फर्क। सुन लिया आपने, ये है राहुल गांधी की वो बातें जिन पर सावरकर समर्थक नाराज हो गए। अब सुनिए वो धमकी जो राहुल गांधी को दी गई है। हम धमकी देने वाले की तस्वीर नहीं दिखाएंगे क्योंकि मुफ्त में ऐसे लोगों का प्रचार नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये व्यक्ति जिस तरह की भाषा बोल रहा है वो इसे कुख्यात करेगी, लेकिन इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए ये विख्यात करने वाली बात है कि हम दिखा दें। तो आप सिर्फ आवाज़ सुनकर ही समझ लीजिएगा कि धमकी किस तरह से दी जा रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी, आने वाले भविष्य में यदि आपने सावरकर जी के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो सावरकर भुगतों को आप यदि उकसाओगे, आपकी यात्रा का स्वागत कोई अन्य तरीके से करना होगा। अब ये देखिए, महाराष्ट्र में ये लोग राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। इनकी भाषा तो मुझे ज़्यादातर समझ में नहीं आई, मगर हरकतें समझ में आ गई। असली मजा इस वीडियो के अंत में है, देखते जाइए। राहुल गांधीचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। 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 जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। राहुल गांधीच्या बैलाला, राहुल गांधीच्या बैलाला जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। गर्व से कहो हम हिंदू है। देखा आपने, विरोध करने वालों को ये मालूम भी नहीं है कि चप्पल किसको मारनी है। तस्वीर देखकर भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि सावरकर कौन है और राहुल गांधी कौन है। ये पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी की बात का, उन्होंने सावरकर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सावरकर अच्छे थे या बुरे थे, वीर थे या कायर थे, मगर आप जिनका समर्थन या जिसका विरोध कर रहे हैं उसके बारे में जानना तो चाहिए। सावरकर समर्थकों के विरोध के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने सावरकर की वो चिट्ठी ही निकाल दी जिसमें सावरकर ने अंग्रेजों से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी है और नौकर बन के रहने की इच्छा जताई है। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी डी सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। एक बात मैं और आपको बता दूं, हो सकता है कि आपके मन में ये संशय हो कि जो चिट्ठी राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं ये असली है या फर्जी है, तो अपने दिमाग में इस बात को साफ कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए कि ये चिट्ठी बिल्कुल सही है, सावरकर द्वारा लिखी गई है, अंग्रेजों को लिखी गई है, दिल्ली में अभी भी रखी हुई है और अब तो ऑनलाइन भी है। और एक बात नहीं, ये चिट्ठी कई बार लिखी गई है, माफीनामा कई बार लिखा गया है। अब सवाल यह है कि सावरकर को वीर कहा जाए या ना कहा जाए,
तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सावरकर हमेशा से माफी मांगने में विश्वास करने वालों में से नहीं थे। जाहिर सी बात है, यदि वो हमेशा से अंग्रेजों से डर रहे होते और अंग्रेजों के साथ होते तो उन्हें जेल भेजा क्यों जाता। मगर कुछ साल काला पानी की सजा झेलने के बाद सावरकर टूट गए और इस कदर टूट गए कि अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गए और ऐसी चिट्ठी लिख दी जो हमेशा उन्हें बदनाम करती रहेगी। यातना झेलने की हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा हुई, मगर इस तरह की माफ़ी सभी ने नहीं मांगी। जेल तो गांधी और नेहरू को भी जाना पड़ा था और लगभग जितने भी बड़े चेहरे थे सबको जेल जाना पड़ा था। हजारों की संख्या में छोटे चेहरे भी थे जिन्हें हम आप नहीं जानते हैं, सभी को जेल हुई थी, बहुत सारे लोगों को जेल हुई थी, मगर ऐसा माफीनामा किसी ने भी नहीं लिखा। सावरकर ने इस चिट्ठी में यहाँ तक लिख दिया कि मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, अंग्रेजों से भिक्षा मांग रहे हैं कि मैं आपका वफादार नौकर बन के रहूँगा, मुझे जेल से रिहा कर दीजिए। अब सवाल ये है कि यदि इन्हें वीर कहा जाए तो उन लोगों को क्या कहा जाए जिन्होंने सजा भी झेली मगर माफ़ी नहीं मांगी, और उन लोगों को क्या कहा जाए जिन्होंने जान तक गंवा दी माफ़ी नहीं मांगी। मुझे लगता है कि बेहद ही आसान भाषा में और कम शब्दों में आप समझ गए होंगे कि किसको वीर कहना है और किसको नहीं कहना है। ये फैसला आपके हाथों में है। एक बार फिर से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।